देखिए, मैं इस बात को मैं सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए क्या, क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही, ठीक है आप निभाइए भाई विपक्ष की भूमिका, आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब 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 किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा, और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था, हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भैया अभी जो 6 महीने पहले जो NDA की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्पत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कतई किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। राहुल गांधी वो आरोप लगाए थे कि रक्षा मंत्री पर अंतिम दिन के शहीदों को मुआवजा नहीं मिला, उस पर सेना के जवानों ने भी जवाब दिया है, ट्वीट किया कि नहीं उनको पैसा मिला। भाई ये गलत तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर आप रखिएगा, और आज की तारीख में आप सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं है ना कि आप कुछ भी आए बोले और चले गए। आज की तारीख में से एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। LOP की पद की एक अपनी गंभीरता होती है और उसको गंभीरता से लिए जाना जरूरी है। उस दिन LOP के तौर पर जो उनका पहला संबोधन था उसमें तमाम गलत तथ्यात्मक जानकारियां उन्होंने सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया। जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक LOP होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर की, उन्होंने चेयर पर की, और जिस तरीके से अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, कभी महादेव की तस्वीर को लहराना, कभी अलग अलग धर्म की तस्वीर को लहराना, और उसके बाद जितने धर्म गुरु हैं उन्होंने सामने आकर उससे अपनी असहमति दर्ज की, उसी क्रम में उन्होंने तमाम ये गलत तथ्यात्मक जानकारी रखी। जब उन्होंने अग्निवीर का जब उन्होंने जिक्र किया उसी वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर उस बात का खंडन करने का काम किया। पर दिक्कत यह है ना कि एक LOP होने के नाते अगर आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे, अगर इस तरीके से हल्के में आप बयानबाजी करते रहेंगे तो आप अपने पद की मर्यादा को कम करने का काम करेंगे।